तो यार आज हमारे सामने खड़ी है कीवे की तरफ से आने वाली एक मोस्ट क्रूजर पावरफुल बाइक, यानी कि हमारे सामने खड़ी है कीवे की बेंडा। यार तो इसमें क्या खास होने वाला है, कितनी इसमें पावर होने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं लुक कितना ही बेहतरीन है। यार यहाँ पर हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों पावर काफ़ी बेहतरीन देती है यार, एकदम ही आपको सुपर बाइक वाला फील कराएगी। और यहाँ पर राइडिंग का पोस्चर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो में बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हीकल बॉस, तो आइए देख लेते हैं। तो साथियों यार बेंडा में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं यार जो आपको 15 से 20 लाख रुपए की स्पोर्ट्स क्रूजर बाइक में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या फंक्शंस हैं वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पहले तो यार इसका आप लुक देख सकते हैं साथियों, यार काफ़ी बेहतरीन, एकदम ही आपको यार हार्ली डेविडसन की यार एक सुपर बाइक वाला फील कराएगा फ्रंट से जब आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यार दोस्तों, यार जो फ्रंट का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। यहाँ पर बेंडा की जब बैचिंग आप देखेंगे हेडलाइट में तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। दो यहां पर प्रोजेक्टर एलईडी एएचओ के साथ हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएंगी साथियों। यार V302C इसका होने वाला है मॉडल नेम और 690 mm की सीट हाइट होने वाली है। तो अगर आपकी हाइट 5.2 भी है तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर 120/60 और यहाँ पर 16 इंची का टायर है, डायमंड कटर अलॉय व्हील है, चौड़ा टायर है, रेडियल टायर होने वाला है। और यहाँ पर आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं यार साथियों, यार 300 mm की बाइबर के ब्रेक के साथ यहाँ पर डिस्क प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर अपसाइड डाउन 38 mm के सस्पेंशन लगे हैं यार साथियों, यार तो यहाँ पर देख सकते हैं लुक और बिल्ट की क्वालिटी जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है इस गाड़ी में। साथ में यार दोस्तों, यार जो खास चीज है वो है इसका प्राइस। प्राइस हम आपको बताएंगे। पहले यहां पर देखिए आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाएगा और यहां से जो इसके ब्रेक की क्वालिटी है और जो कंट्रोलिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है साथियों यार। और साथ में यार हम बात कर लें यार इसके यहां पर फ्यूल टैंक की, तो यहां पर आपको बेंडा की कीवे की बैचिंग है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, चौड़ा फ्यूल टैंक, बड़ा यहां पर डिजाइन है, E20 को सपोर्ट करता है यार साथियों। और साथ में यार ये आपको 28 km/h माइलेज देने वाली है, 302 यहां पर सीसी का इंजन लगा है यार साथियों। और जो खास चीज है वो है इसका बेल्ट ड्राइव, ये जो गाड़ी है वो बेल्ट ड्राइव के साथ आती है साथियों। यार ये वाली चीज है, ये 300 सीसी का इंजन जो है वो 30 BHP की पावर देगा, 26 Nm का टॉर्क देगा, 6 ट्रांसमिशन के साथ आता है, यहां पर स्लीपर क्लच को सपोर्ट करता है, बड़ा रेडिएटर यहां पर दिया है तो ऑयल कूल्ड होने वाला है साथियों। यार ये वाली चीज है तो लुक के साथ साथ यार पावर भी अच्छी है और माइलेज खैर मैंने आपको बता ही दिया है। और 158 mm गाड़ी का होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस यार साथियों। और यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं ये बेल्ट ड्राइव के साथ आती है, चेन ड्राइव नहीं है इसमें, बेल्ट ड्राइव होने वाली है। ये चीज जो है ये इस गाड़ी में इस गाड़ी को हटके बना देती है। और यहाँ पर ये जो आप टायर देख रहे हैं ये काफ़ी एक चौड़ा सा टायर देखने के लिए मिल जाएगा रियर का, जो 150, 80 और 15 इंची का टायर है, यानी आगे 16 इंची का, पीछे 15 इंची का। तो जो लुक है, जो राइडिंग का पोस्चर है वो काफ़ी बढ़िया बनता है गाड़ी का। और यहाँ पर आपको 270 mm की डिस्क की प्लेट मिल जाएगी और यहाँ पर डायमंड कटर एलॉय व्हील के साथ आती है। और यहाँ पर आपको ड्यूल सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे साथियों यार, जो आपको 42 mm के होने वाले हैं। कीवे की फेंडर पर बैचिंग है और ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये ड्यूल पिस्टन वाला इंजन है साथियों यार, 4 सिलेंडर इंजन होने वाला है, 4 स्ट्रोक होने वाला है, 8 वेल्व होने वाले हैं यहाँ पर इंजन में, तो पावरफुल इंजन होने वाला है। और जो सीट है उसकी कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की है फ्रंट की, यहाँ पर देख सकते हैं यार एकदम ही प्यारी सी कुशनिंग की है। साथ में दोस्तों यार मडगार्ड में ही लगा दी है इसकी LED टेल लाइट, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पर LED टर्न ऑन इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। और जो खास चीज है वो है इसका इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर, यहां पर देख सकते हैं यार साथियों काफी ही प्रीमियम बनाया है। और ये की देख सकते हैं यार साथियों, इतनी मतलब अलग से लगती हट के यूनिक की है, मतलब देख सकते हैं आपको जिस तरीके से ड्यूअल यूनिक की, यहां पर आपको देख सकते हैं कीवे की बैचिंग है, की में भी और हर जगह कीवे का बैचिंग है। और ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं इसका सिंगल हैंडल बार है यार साथियों, जो आपकी राइडिंग को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। साथ में यार यहाँ पर जो आप ये क्लस्टर देख रहे हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हटके लगेगा क्योंकि ये फुल्ली डिजिटल होने वाला है। साथ में जो इसको प्लेस्ड किया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, यहाँ पर बटन पटपट करके आवाज़ करते हैं। यहाँ पर आपको यार बेंडा की अंदर भी बैचिंग है, यहाँ पर आपको गेयर शिफ्ट इंडिकेटर, इंजन चेक, ABS जैसे सारे क्लॉक वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर इंजन का किल स्विच लगा है और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है और इस तरफ से आप इसकी हैजर्ड लाइट को
यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और मीटर में देख सकते हैं फंक्शन, जैसे आरपीएम मीटर बताएगा, हैजर्ड लाइट बताएगा, इंजन चेक बताएगा, टाइम बताएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर बताएगा, और यहाँ से मोबाइल कनेक्टिविटी खैर नहीं है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें दे दी हैं साथियों यार। और मेन चीज़ ये है जो इसका लुक है वो जब आप सड़कों पर निकलेंगे लेके गाड़ी तो यकीन मानिए लोग पूछेंगे भाई कौन सी गाड़ी आप चला रहे हैं। और कीमत की बात कर लें यार तो 4,80,000 की इसकी ऑन रोड कीमत होने वाली है साथियों, और अपनी अपनी सिटी के हिसाब से तो खैर ऊपर नीचे हो सकती है वो वाली चीज़ है, लेकिन यार साथियों बात ये है कि गाड़ी यूनिक है और साथ में 300 cc की है, माइलेज भी बढ़िया देने वाली है, हटके गाड़ी लगेगी। अगर आप अपने लिए एक यूनिक गाड़ी सोच रहे हैं लेने के लिए तो आपके लिए हो सकती है बेस्ट गाड़ी। और साउंड आपको सुनवाते हैं, आइए। तो साथियों यार जब डबल सिलेंडर की इंजन की गाड़ी का सुनते हैं हम साउंड तो ऐसा लगता है जैसे कि बब्बर शेर दहाड़ रहा हो साथियों यार, ये वाली चीज़ है। क्योंकि यार इसका जो साउंड है उसका बेस काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी दूर से ये गाड़ी बनाती है, रोड प्रेजेंस यार साथियों यार ये वाली चीज़ है। तो आपको कैसी लगी कीवे की बैंडा यार कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों यार, बहुत बहुत धन्यवाद।